गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ सुबोध कुमार, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं रूट प्योर के इस ट्रेनिंग सीरीज में। यस दोस्त, जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, रूट प्योर एक शुरुआत जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मुझे मालूम है कि आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी लोगों ने उस शुरुआत कर लिया है, उन सभी लोगों ने रूट प्योर का दामन थामा है अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो एक स्लोगन है आपकी कंपनी रूट प्योर का कि निर्णय आपका, संकल्प हमारा। यस दोस्त, आपने निर्णय लिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो हम संकल्पित हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। चलिए ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल हम ट्रेनिंग सीरीज को, प्रोडक्ट के ट्रेनिंग सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज भी मैं एक और प्रोडक्ट के लेकर के आपके बीच आया हूं। इससे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, और वो इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने कम टाइम में अपने नाम का डंका बजाना शुरू कर दिया है। आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, लोगों के टेस्टिमनी सुनते होंगे कि आपके प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव हैं। अभी आज मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले इम्यूनो रूट के बारे में मैं ट्रेनिंग लेकर के आया, फिर मैं नर्वो रूट के बारे में ट्रेनिंग लेकर के आया, और आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं जो सच में बहुत ही खास प्रोडक्ट है। हाँ दोस्त, सच में बहुत खास प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो सबसे खास हैं। आपको लग रहा होगा वो कौन लोग हैं जो सबसे खास हैं। मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बताता हूं। उस प्रोडक्ट का नाम है गाइनी रूट। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन लोग खास हैं। हाँ दोस्त, हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की लड़कियां, वो हमारी बैकबोन है। वो सिर्फ घर की बैकबोन नहीं है, सिर्फ परिवार की बैकबोन नहीं है, हमारी सोसाइटी की बैकबोन है, हमारी कंट्री की बैकबोन है। उनका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हमारी घर की महिलाएं हम सबका ख्याल तो रखती है, बस अपना ख्याल नहीं रख पाती। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब हम बीमार पड़ते हैं हमारा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन हम लोग शायद उनका ध्यान नहीं रख पाते उतना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आप ध्यान नहीं भी रख पाते होंगे तो रूट प्योर ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जिसके जरिए आप उन सभी का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है मेरे दोस्त, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां पे नारी का सशक्तिकरण नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। आजकल के लाइफस्टाइल में, आजकल जब लड़कियां बड़ी होती है, छोटी सी उम्र में जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, फिर जब शादी हो जाती है तो फैमिली संभालना, और तरह तरह के चेंजेस उनके लाइफ में, इतने ज्यादा बदलाव आते हैं, उतना जेंट्स के लाइफ में नहीं आता शायद। इसकी वजह से उनको कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। उन सबको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले के जमाने में हमारा लाइफ स्टाइल कुछ और हुआ करता था, आपके जमाने में लाइफ स्टाइल कुछ और हो गया। पहले जो वुमेन्स होती थी, महिलाएं होती थी या लड़कियां होती थी, वो घर में रहती थी, घर के काम काज करती थी, आज ऑफिस जाने लग गई है। ऑफिस जाने को लेकर ऑफिस को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, इन सब चीजों के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है और तरह तरह की प्रॉब्लम होती जा रही है। हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। रखेंगे ना आप लोग? हाँ, मैं सभी पुरुषों से अपील करता हूं कि हमें अपने घर की महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, एक लाइन है, स्लाइड पे पढ़िएगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्व अस्त्रता फलाक्रिया। मतलब यह है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां पर ऐसा नहीं होता वहां पर सभी कार्य निष्फल होते हैं। हाँ दोस्त, ये जब लिखा गया था उसके मतलब को हमें समझना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम आरती लेकर के, अगरबत्ती लेकर के उनको ऐसे ऐसे दिखाएं। आई डोंट मीन टू से दैट, मैं ये नहीं कहना चाहता आपको, लेकिन हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की बेटियों का, माताओं का, अपनी वाइफ का, अपनी बहनों का ध्यान रखें, क्योंकि वो सच में बैकबोन है और वो ध्यान अपना नहीं रख पाती। उसके कई कारण है, वो हमारी देखभाल में, हमारे घर के देखभाल में, हमारे बच्चों को देखभाल में कई बारी दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक घर के कामों में लगी रहती हैं, और खुद का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती, खुद का ध्यान नहीं रख पाती, उनके अंदर वो उतने न्यूट्रिशंस नहीं जाते जितने जाने चाहिए। ऐसे बड़े सारे कारण हैं जिनकी वजह से उनको तरह तरह के हार्मोनल अनबैलेंस और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है, जो हम सबके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। खुद सोचिएगा कि अगर घर की लेडीज, जो काम करने वाली मेन महिला है, अगर 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाती है तो घर के पुरुषों को और बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। उनका ध्यान रखना हमें चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए हाँ चाहिए। बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, सभी के सभी लोग ये गैनी रूट ले सकते हैं और रोज सुबह 30 ml गुनगुने पानी में उनको दे सकते हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। ये क्यों देना चाहिए
और क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब लोगों को इस ट्रेनिंग को, लेडीज भी देख रही है, जेंट्स भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, लड़के भी देख रहे हैं, फीमेल्स मेल सभी देख रहे हैं, क्योंकि सभी रूट पर बिजनेस के अंदर है। तो सबको ये जानना बड़ा जरूरी है कि फीमेल्स के अंदर कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको तरह तरह की मतलब तकलीफें आती है, जिसके लिए हमें ये गैनी रूट उन्हें देना चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इरेगुलरिटीज इन पीरियड ड्यू टू हार्मोनल अनबैलेंस। लड़कियों में, महिलाओं में कई दफा ऐसा देखा गया है कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से उनके पीरियड्स में अनियमितता रहती है, कई बार टाइम पे नहीं आता, किसी का साइकिल 28 डेज का है तो किसी का कम हो जाता है या किसी का ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से, इरेगुलरिटी की वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम, जैसे थकान रहना, इरिटेशन होना, हाइपरटेंशन होना और न जाने कितनी तरह की बीमारियां उनको छोटी उम्र से लग जाती है। और क्या प्रॉब्लम आता है देखा जाता है लड़कियों के अंदर, फीमेल्स के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस मेल्स के कंपैरिजन में कई बार होता है ज्यादा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, जब लड़का 16-17 साल का होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसके लाइफ में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मूछें आनी शुरू होती है, मतलब वो बच्चा जवान हो जाता है, एक ही बार लाइफ में आता है। लेकिन जब लड़कियां बड़ी होती है, जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं तब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब वो कंसीव करती है यानी जब मां बनती है तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब वो लैक्टेशन कर रही होती है, बच्चों को फीडिंग कर रही होती है, तब भी कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। जिस टाइम पे 45-50 की उम्र में जाने के बाद जब मोनोपॉज का पोजीशन आता है, जहां पे पीरियड्स आने बंद होने लग जाते हैं, उस टाइम भी कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इन हार्मोनल अनबैलेंस कई बार लाइफ में आने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं को से जूझना पड़ता है, जितनी समस्याओं से पुरुषों को नहीं जूझना पड़ता। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गैनी रूट का निर्माण करा गया है। ये मैंने लिखा डिफिशियंसी इन मिनरल्स इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या और लैक्टेशन। मतलब ये है कि क्या होगा कि जब कोई महिला कंसीव करती है, जब प्रेगनेंसी के दौरान जब नए बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जब उनको फीडिंग करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है लंबे टाइम तक, तो बॉडी में बहुत दफा बड़े सारे मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस में बोन वीक होने लग जाता है, बैक पेन होने लग जाते हैं, ज्वाइंट पेन होने लग जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, जो आगे चल के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। हाँ, ये नेचुरल है, इसको हमें संभालना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम होती है कि देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेट्रा। मोनोपॉज के कारण बढ़ती उम्र में महिलाओं को इन सब की ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन डिसऑर्डर के खतरा बढ़ जाता है, सर्वाइकल के खतरा बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह स्टडी बताता है, यह मैं नहीं बता रहा आपको। और एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, मैं आपको समझाता हूं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें हड्डियां एक तरीके से खोखली होने लग जाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी के अंदर अगर अंदर दीमक लग गया तो लकड़ी ऊपर से तो दिखेगा कि बिल्कुल वैसा ही है, स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन वो अंदर से इतना कमजोर है कि एक झटके लग जाए तो टूट जाता है। ऐसे ही ओल्ड एज में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके बोन्स के अंदर से वो बोन्स खोखला होने लग जाता है। मैंने कई बार ऐसा सुना है कि सोए सोए कोई महिला ने कोई बुजुर्ग लेडी थी, उन्होंने करवट लिया और उनका हड्डी टूट गया। This is a disease called osteoporosis। यह भी कई सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बॉडी में कई सारे न्यूट्रिशंस के कमी की वजह से होता है। ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स में आने लग जाती है। एक सर्वे में आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे है, हम सब लोगों को इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। 15-16 साल की उम्र की 51.4% 51.4% लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 16 साल की है वो सफर कर रही है अंडरवेट से, मतलब लो वेट से एंड लो होमोग्लोबिन से। मतलब ये है, बिल्कुल साफ है, सरकारी सर्वे रिपोर्ट कहता है कि 15-16 साल की उम्र की 51.4% लड़कियां ऐसी है जो अंडरवेट है और उनके ब्लड में होमोग्लोबिन की कमी है। ये भयंकर प्रॉब्लम है जिसका निदान नहीं मिल पाता।
जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वेट जब गेन नहीं कर पाती और बहुत ही अंडर वेट में जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, मां बनने में भी प्रॉब्लम आती है, आगे के लाइफ साइकिल में भी प्रॉब्लम आता है। और ऐसा पाया गया है कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी की वजह से, वाइट डिस्चार्ज की वजह से, ल्यूकोरिया की वजह से भी वेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिर जाता है। ये सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम है फीमेल्स में। और उससे भी दुख की बात यह है कि उसके बारे में लोग बात भी नहीं करते एक दूसरे से। वो बेटी अपनी मां से बात तो कर लेती है लेकिन मां इवन अपनी बेटी के बारे में अपने हस्बैंड से बात करने में हिचकती है, शर्माती है कि बेटी की वो प्रॉब्लम है तो मैं अपने उसके पापा से कैसे बात करूं। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि मेरी बेटी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको आगे बढ़कर के देखभाल करूं और उसके निदान के बारे में सोचूं। ये हम सबका फर्ज बनता है और हमें हिंदुस्तान से इन चीजों को दूर करना है दोस्त। ये अगर 15-16 साल की लड़कियों 51.4% मतलब आधी आबादी जो आने वाले टाइम में जो मां बनने वाली है, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को नया भविष्य जन्म देने वाली है, जब मां ही स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे, और जब बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो देश हमारा कैसे स्वस्थ होगा। इसलिए मैंने बोला था कि बैकबोन ऑफ द फैमिली एंड बैकबोन ऑफ द सोसाइटी एंड बैकबोन ऑफ द कंट्री, जिसका हमने सबने ध्यान रखना है। यस दोस्त, इन सबकी प्रॉब्लम के लिए, इन सबकी प्रॉब्लम के छुटकारा के लिए रूट प्योर, आपकी कंपनी रूट प्योर लेकर के आई है एक अद्भुत प्रोडक्ट जिसका नाम है गैनी रूट, जो फीमेल्स की हर प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में मदद करती है। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि सर गैनी रूट नाम क्यों रखा, गैनी रूट का मतलब क्या है, तो मैं सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करूंगा कि महिलाओं की हर समस्या को जड़ से दूर करने के लिए जो आयुर्वेदिक औषधि है उसका नाम है गैनी रूट। ये क्या है, कैसे बना है, कैसे काम करता है, हम एक एक करके विस्तार से उसके ऊपर बात करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इट्स एन आयुर्वेदिक मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ प्रवाही क्वाथ। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। किस रूप में बनाया गया, प्रवाही क्वाथ के रूप में बनाया गया। किस रूप में बनाया गया मैं दोबारा बताऊं, प्रवाही क्वाथ के रूप में बनाया गया है। कई सारे हमारे दोस्तों को यह प्रवाही क्वाथ का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको रेफरेंस देता हूं। जब आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने नर्वो रूट के बारे में ट्रेनिंग दिया था, तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे से प्रवाही क्वाथ को मैंने डिफाइन करा था कि प्रवाही क्वाथ कैसे बनाया जाता है। और चूंकि आप रूट प्योर एडवाइजर हैं इसलिए आपको वो भी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आप नर्वो रूट का वीडियो देखेंगे आपको प्रवाही क्वाथ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक प्रवाही क्वाथ है, यहां तक समझा दिया। यूथफुल इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जो पीरियड की अनियमितता है उसको ये ठीक करता है। और किस चीज में काम करता है, लिकोरिया में बहुत ही इफेक्टेड है। यस दोस्त, मेरे सामने मेरे बड़े सारे रूट प्योर एडवाइजर ने मुझे फीडबैक दिए हैं कि लिकोरिया के अंदर सर इतना इफेक्टिव है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बड़ा प्राउड फील होता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट लेकर के लोगों को घर घर जा रहे हैं। हमारे रूट प्योर एडवाइजर, आप सभी लोग, आप, आपके लीडर, आपके डाउनलाइन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके साथ रूट प्योर बिजनेस में है, इतने शानदार प्रोडक्ट लेकर लोगों के घर में जाते हैं कि दुआएं मिलती है दोस्त। बड़ी बड़ी अंग्रेजी दवाइयों के मोटी मोटी टैबलेट्स नहीं खानी पड़ती। आयुर्वेदिक औषधि जब आप अपनाते हैं अंग्रेजी दवाइयों के अगेंस्ट, इसके बड़े सारे फायदे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हेल्पफुल ड्यूरिंग अदर गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम, महिलाओं की हर समस्या में ये काम आता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक जनरल टॉनिक ऑफ द फीमेल्स, वेट कम है आप इसको दीजिए, लिकोरिया की प्रॉब्लम है आप इसको दीजिए, पीरियड्स ऊपर नीचे हैं आप इसको दीजिए, ब्लड का फ्लो ज्यादा या कम है पीरियड्स के दौरान दीजिए। किसी को 1-2 दिन में ही बंद हो जाते हैं, किसी को 6-7 दिन चलते रहता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर। अब मैं आपको कितना बायोलॉजिकल टर्म में लेकर दे रहा हूं, मोटा मोटा समझिए कि ये इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वेट कम है, होमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, मतलब स्किन में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ब्यूटी में प्रॉब्लम है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक काम करने वाला इस प्रोडक्ट का नाम है गैनी रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स अ यूजफुल इन मेनोपॉज सिंड्रोम, मेनोपॉज बता दिया मतलब एक उम्र के बाद जब पीरियड आनी बंद हो जाती है उस टाइम को मेनोपॉज कहते हैं। यह 45-50 की उम्र में अक्सर ये होता है किसी लेडीज को, किसी महिला को 1-2 साल पहले, किसी को 1-2 साल बाद, इसका कोई एकदम से फिक्स डाटा नहीं है। और किस चीज में काम करता है, नर्वस एंड फिजियोजेनिक डिसऑर्डर को ठीक करता है, मतलब यस नर्वस सिस्टम को, साइकोजेनिक डिसऑर्डर को,
नर्वस सिस्टम को ठीक करता है और उससे रिलेटेड जो साइकोजेनिक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का आना, नींद का उड़ जाना, तनाव ग्रसित होना, डिप्रेशन में चले जाना, ये जो सैकड़ों तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, इन सारी की सारी प्रॉब्लम का एक ही औषधि है, मैंने बोला था, दैट इज गायनी रूट। हर घर की महिलाओं को गायनी रूट देना हम सबका परम कर्तव्य है। यूजफुल इन न्यूट्रिशनल एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ये अगर हमारे को न्यूट्रिशन की कमी है हमारे खान पान में, उसमें काम आता है, हमारे आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसमें काम आता है, ये अलग अलग तरह के हर तरह के तकलीफों में, फीमेल्स के हर तरह के तकलीफों में नर्व रूट बहुत ही उपयोगी है। गायनोरूट बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ लेकर चलते हैं। इसमें किस किस चीजों से बना हुआ, इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मैं इंग्रेडिएंट आपको बता देता हूं और फिर हम कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि उनका क्या काम है। पहला इंग्रेडिएंट है अशोका एक्सट्रैक्ट, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे चल के बताऊंगा। अर्जुना एक्सट्रैक्ट मतलब अशोक के पेड़ से जो उसका क्या बोलते हैं तने के ऊपर उसके छिलके को उतार करके जो उसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो इसमें मिलाया गया है। अर्जुन का एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है। पुष्कर मूल एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में पहले भी कई बार बताया जा चुका है। इसमें शतावरी डाला हुआ है, इसके अंदर माजू फल का इस्तेमाल करा गया है, इसमें लोधरा का इस्तेमाल करा गया है जो लेडीज के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अंदर मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है आंवला का इस्तेमाल करा गया है जो विटामिन सी का खजाना बोला जाता है आंवला को। इसके अलावा शंख पुष्पी का इस्तेमाल किया गया है जो शंख पुष्पी को ब्रेन बूस्टर कहा जाता है। हरी ताकी नाम का एक इंग्रेडिएंट है, इसका इस्तेमाल करा गया है। मूसली का इस्तेमाल करा गया है। नाग केसर का इस्तेमाल किया गया है। दशमूल का इस्तेमाल है इसके अंदर। मोस्तका एंड कचनार एंड गुखरू, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको हर ट्रेनिंग में बात बोलता हूं कि अगर घर में पतीले में चावल बनाते हो तो जब चावल पका या नहीं पका इसको चेक करने के लिए एक एक दाने को, एक एक चावल को मसल कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें से कुछ दाने को, दो चार पांच दाने को मसल कर देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि चावल पका हुआ है या नहीं पका हुआ है। अगर आपको बहुत विस्तार में नॉलेज चाहिए होगा तो इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट के बारे में गूगल करिएगा, वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि आपको खुद ही प्राउड फील होने लगेगा कि व्हाट अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव फॉर आवर फीमेल्स। यू विल फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रूट प्योर फैमिली कि क्या शानदार प्रोडक्ट बनाया है। तो मैं इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट को अगर विस्तार पूर्वक चर्चा करने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। तो एज यूजुअल हम लोग सारे के सारे इंग्रेडिएंट पे बात नहीं करने वाले, कुछ इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है जिसके बारे में कुछ हमें चर्चाएं करनी चाहिए उन इंग्रेडिएंट के बारे में अपन बात करेंगे अगले 15 से 20 मिनट तक। चलिए पहला जो इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हमने बात करना है दैट इज अशोका। अशोक का एक पेड़ हम सब जानते हैं, हर जगह पाया जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। उसका जो छाल है उसको छाल को उतार करके उसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अशोक किन किन चीजों में, अशोक के छाल का जो एक्सट्रैक्ट है वो किन किन बीमारियों में पाया जाता है, उनके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इस इंग्रेडिएंट को गायनी रूट में इस्तेमाल करा गया। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे स्ट्रेंथन यूटराइन मसल, मतलब महिलाओं के यूट्रस के मसल्स को ये ताकतवर बनाता है। हां दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अशोक का जो पौधा है उसका जो छिलका है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके इसमें यूज किया गया है जिसका प्रॉपर्टी है कि औरतों के यूट्रस, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, उसके मांसपेशियों को मजबूती देता है, ताकतवर बनाता है। कई सारे लड़कियों को शादी के कई साल के बाद तक कंसीव नहीं होने का एक कारण डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इनकी गर्भाशय के, इनकी यूट्रस के मांसपेशियां इतनी ताकतवर नहीं है कि जब वो कंसीव करेगी तो रिस्क बढ़ जाएगा, ये भी कारण इसको मजबूती देता है। और ये क्या करता है, एब्डोमिनल पेन, जो पेट में किसी भी तरीके का दर्द है या क्रैम्प है मतलब ऐठन या दर्द है तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक औषधि है, ये इसके लिए भी यूजफुल है। ट्रीट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये पहले बता दिया, पीरियड की अनियमितता को ये दूर करता है, उसको ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करा जाता है। क्या क्या अनियमितता है मैंने पहले ही बोला,
कि पीरियड साइकिल का बिगड़ जाना, अगर 28 दिन का साइकिल है किसी को 32 दिन के बाद आ रहा हो या किसी को उससे पहले कम टाइम में है, उसको ठीक करने में अशोक का इस्तेमाल करा जाता है, और किन किन चीजों में मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो ये ठीक करता ही है, सिस्ट फाइब्रॉइड्स एंड अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को ठीक करता है। इस एक लाइन को मैं थोड़ा सा आपको गंभीरता से समझाना चाहता हूं, सिस्ट फाइब्रॉइड, ये दोनों में फर्क समझिएगा, सिस्ट और फाइब्रॉइड में क्या फर्क होता है। सिस्ट का मतलब है छोटी छोटी गांठें जो यूट्रस और यूट्रस के अलावा जो फेबुलिन ट्यूब है उसके अंदर भी पाया जाता है, और जो फाइब्रॉइड्स है उसको हिंदी में बोला जाता है रसौली, आपने रसौली शब्द का नाम सुना होगा, जो कि एक तरीके की बड़ी गांठें बन जाती है यूट्रस के अंदर बन जाता है, जिसको ठीक करने में यह रामबाण की तरह काम करता है। ये आप इंग्रेडिएंट यूज करा गया है, तो जिस किसी भी माताओं बहनों को ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, जिनको रसौली की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये काफी असरदार है, इसमें भी काम करता है, और जब इन चीजों को ठीक करेगा तो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को तो ठीक करेगा ही करेगा। एक रिसर्च बताता है, मैंने हर बार मैक्सिमम टाइम रिसर्च को लेकर के बात करता हूं, ये एक रिसर्च कहता है कि अशोका के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एंटी बैक्टेरियल भी है, जो एंटी कैंसर है, जो एंटी फंगल है, जो यूरेटोनिक, इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, मतलब ये सूजन को भी दूर करने में काम करता है, एंटी कैंसर भी इसके अंदर प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल भी है, ये हर तरीके की इंफेक्शन को से हमें दूर रखने में मदद करता है। कोई फंगल में इंफेक्शन होगा उस पर भी काम करेगा, कोई किसी भी कारण से सूजन हो रहा है उसके ऊपर भी काम करेगा, ये अशोका का एक प्रॉपर्टी है। इंप्रूव स्किन हेल्थ, हां जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये महिलाओं के पैर के नाखून से सिर के बाल तक काम करता है, ब्यूटी पे भी काम करता है, यानी ये आपके स्किन को हेल्दी रखेगा, स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसको फ्री रेडिकल डैमेज करता है, उसको डैमेज होने से ये बचाता है, और ये एंटी एजिंग का काम करता है, मतलब एज तो बढ़ेगा लेकिन चेहरे से एज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, उन्होंने अपने आप को मेंटेन करा हुआ है, उनके खान पान में ऐसी चीजों का नियमित रूप से सेवन करती है जो उनके स्किन पे एज नहीं दिखता, बट कई सारी ऐसे महिलाएं आपको मिलेंगी जिनकी एज उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा वो दिखने लग जाता है, उनकी उस स्किन को हेल्दी रखने में ये आपका इंग्रेडिएंट बहुत ही काम करता है। दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दैट इज अर्जुना, अर्जुन के छाल का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और ये जो अर्जुन जो पौधा पेड़ है इसको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए काम आता है तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। अर्जुना रिस्ट करके भी दवाइयां आती है बाजार में जिसमें इसके इंग्रेडिएंट यूज करा जाता है, हार्ट में किसी की प्रॉब्लम है, दिल की कोई समस्या है, किसी भी समस्या में ये काम आता है, प्रमोट हेल्दी हार्ट। एक रिसर्च यहां पे मैंने लिखा है, आप स्क्रीन के ऊपर नजर डालिए, कहता है ह्यूमन स्टडी इन 100 पीपल विद हार्ट डिजीज फाउंड दैट टेकिंग 3 ग्राम ऑफ अर्जुना बार्क, बार्क मतलब वो उसके छिलके का बार्क पाउडर, अर्जुन का जो छाल है उसके पाउडर अगर 3 ग्राम तक एक महीने तक दिया गया 100 ऐसे लोगों को जो पहले से दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, तो ये पाया गया कि उनका दिल की बीमारियों में काफी कुछ कंट्रोल हुआ, उनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हुआ, ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस हुआ, एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका रिड्यूस हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक स्टडी और एक सर्वे कहता है जो मैं आपके सामने रख दिया हूं ताकि आप इसको समझने में आसानी हो। अर्जुना और क्या काम करता है, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कितना हमारे लिए जरूरी है आप सबको मालूम है, आप सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ आप सबको मालूम है, इम्यूनो रूट के अंदर मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत बातें की थी, इम्यूनो रूट में मैंने आपको यह बताया था बहुत अच्छे से कि बॉडी के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो वो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज नहीं करेगा, और जब फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज नहीं करेगा तो फ्री रेडिकल हमारे सेल्स को डैमेज करेगा, हमें तरह तरह की बीमारियों की तरफ लेकर के जाएगा। ये इसके बारे में एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो मेरे उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने इम्यूनो रूट के बारे में ट्रेनिंग दे रखा है। तो ये अर्जुना के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि इस ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, यानी महिलाओं के अंदर भी जो फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स तो बनेंगे, एक नेचुरल सा प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पदार्थ सब्सटेंस होना चाहिए जो अर्जुना के अंदर पाया जाता है।
नेक्स्ट, और ये क्या करता है, ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। हाँ, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये कैंसर के भी रिस्क को कम करता है। और क्या करता है, एंटी अस्थमेटिक ये माना जाता है। अस्थमा की किसी को दिक्कत है उसमें भी ये काफी पावरफुल माना जाता है। और क्या काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये सारे अर्जुन के गुण है और ये भी आपका एक इंग्रेडिएंट है। तो मतलब इन सारी की सारी समस्याओं के ऊपर काम करता है। मैं आपको अगले इंग्रेडिएंट के बारे में लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसके बारे में हमने बात करना है, दैट इज शतावरी। एक पौधा आप देख रहे होंगे शतावरी का, जो जड़े नीचे और ये इसकी जो जड़े हैं ना, आप देख रहे होंगे मोटी मोटी, जैसे मूली निकलता है ना उस तरीके से। हाँ, ये जड़े औषधि के रूप में ली जाती है शतावरी का। बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है ये। हिंदुस्तान की आयुर्वेद के अंदर इतनी ताकत है दोस्तों, जो शायद एलोपैथिक में है या नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा। एलोपैथिक के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं बट आयुर्वेद के अपने कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। शतावरी के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये किन किन चीजों पे काम करता है। इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट तो चाहिए चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट तो चाहिए। ये तो आपको पहले से मालूम है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स जब बनते रहते हैं उसको ठीक करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें अंदर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो ये जो औषधि है, ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो हर्ब्स है, ये जो जड़ी बूटी है शतावरी जिसका नाम है, वो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। मतलब इंफ्लेमेटरी मतलब जो अंदर से सूजन हो जाता है, इंफ्लेमेशन उसको बोलते हैं, उसको भी ठीक करने में ये काम करता है। और क्या काम करता है, बूस्ट आवर ह्यूमन सिस्टम। हाँ, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ेगा शरीर का, तो बीमारियों से लड़ने में हमें जीत मिलेगी। हमारा इम्यून जब स्ट्रांग होगा तो बीमारियां हमसे हार जाएंगी और हम बीमारियों से जीत जाएंगे। तो इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, इसको इंप्रूव करने में काम आता है। इट मे हेल्प इन रिलीफ कफ। अगर किसी को कफ की शिकायत रहती है उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। इट मे हेल्प ट्रीट डायरिया। ये डायरिया को भी इलाज के ट्रीटमेंट में काम आता है। डायरिया समझते हैं आप, मतलब लूज मोशन बहुत ज्यादा हुआ जिसकी वजह से बॉडी में लिक्विड का कमी होने लग जाता है, इसको डायरिया, मतलब ज्यादा लूज मोशन हो गया उसको डायरिया का रूप दिया जाता है, उसको भी ठीक करने में ये काम आता है। इट मे एक्ट एज डाइयूरेटिक। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। जो यूरिन है ना इंसान के बॉडी में, यूरिन के रास्ते से हमारे बॉडी की गंदगी बाहर निकलती है, पसीने से और यूरिन से। कई लोगों का यूरिन का फ्लो एक सर्टेन लेवल तक, डिजायर लेवल तक रहता है। ये जेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम है और ये फीमेल्स के साथ भी है। और कई ऐसे फीमेल्स हैं या जेंट्स भी हैं जिनके अंदर यूरिन डिस्चार्ज कम होता है, उतना फ्लो नहीं होता यूरिन का जितना होना चाहिए। उस प्रॉब्लम को ये दूर करता है, ये यूरिन फ्लो बढ़ाने में काम करता है। शतावरी कितना गुणकारी है आप इसको समझिए। इट मे हेल्प ट्रीट अल्सर। हाँ, अल्सर मतलब पेट के अंदर आंतों में एक तरीके से छाला पड़ जाना। वो जब अल्सर की बीमारी लोगों को हो जाती है तो कुछ भी खाने में अंदर पेट में बहुत ज्यादा जलन सा होने लग जाता है, बहुत गंभीर समस्या है पेट की, उसको अल्सर बोलते हैं। उसमें भी ये काम करता है। और किस चीज में काम करता है, ये किडनी स्टोन को भी ठीक करने में काम करता है। और किस चीज में काम करता है, ये एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। तो कोई भी महिला है हमारी घर की, नहीं दिखना चाहती कि मेरा एज बहुत ज्यादा दिखे, जितनी लेडीज सुन रही होंगी, जो लड़कियां सुन रही होंगी, खैर लड़कियों को तो नहीं होता ये फर्क, लेकिन जब एज बढ़ जाता है उस समय ये लगने लगता है कि मैं बुढ़ापे की तरफ तो नहीं जा रही हूं। तो आपके स्किन को ये बुढ़ापे की तरफ जाने से बचाएगा। जो वंडरफुल प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इट मे हेल्प, ये आपको क्या करता है, डिप्रेशन में भी जाने से बचाता है। ये डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शतावरी का। आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल आपके इस गायनी रूट के अंदर किया गया है और इनके क्या क्या फायदे हैं। नेक्स्ट, एक दो और इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाते अंदर। शंख पुष्पी। शंख पुष्पी का नाम आप सब लोगों ने पहले से सुना होगा। ये फूल देख रहे हैं शंख की तरह, इसके फूल होते हैं इसलिए इसका नाम शंख पुष्पी रखा गया। शंख पुष्पी क्या काम करता है, इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। ये कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, बड़ा एक टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसके बारे में। जो ह्यूमन ब्रेन है वो ट्रिपल आर फॉर्मूले पे काम करता है। एक होता है रिसीव, दूसरा होता है रजिस्टर, तीसरा होता है रिमाइंड। जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं,
तो ये पहला काम क्या करता है, रिसीव करता है, उसके बाद ये रजिस्टर करता है, और जितने अच्छे से रजिस्टर होगा उतने ही अच्छे से हम उसको रिकॉल कर पाएंगे, रिमाइंड कर पाएंगे बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी। कई लोगों के याददाश्त बहुत तेज रहती है और कई लोगों के याददाश्त कम हो जाते हैं। कई बच्चे पढ़ने में बहुत मतलब जल्दी समझ जाते हैं, कई बच्चे जल्दी नहीं समझते। उनके इन फंक्शन को ये बढ़ाता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन इसी को बोलते हैं, चीजों को पढ़ने की एबिलिटी, समझने की एबिलिटी, याद रखने की एबिलिटी को कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, इसमें हेल्प करता है। जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जो 9th 10th से जो 14-15 साल की उम्र की हैं, आगे बड़ा करियर बनाना है, उनको शंख पुष्पी का बहुत रिक्वायरमेंट है, और ये शंख पुष्पी का इस्तेमाल आपके इस प्रोडक्ट में किया गया है। मैंने आपको बोला फीमेल्स के हर प्रॉब्लम का एक ही निदान है और उसका नाम है गायनी रूट। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। शंख पुष्प और किन चीजों में काम करता है? रिड्यूस मेंटल फैटिक, मानसिक थकान को ये कम करता है। मेंटल फैटिक, जब कामकाजी महिलाएं, कामकाजी लड़कियां, पढ़ने वाली लड़कियां, कॉलेज गोइंग लड़कियां, ये जो फीमेल्स है, मैं लड़कियों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट फीमेल्स के बारे में है और फीमेल्स के बारे में ही हमने सारी बातें रखी हैं। उनको क्या होगा, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है ना, पढ़ाई का प्रेशर हो, कुछ ऑफिस वर्क का लोड हो, तो मेंटल फैटिक होना नेचुरल है, तो उस टाइम पे एक सप्लीमेंट चाहिए। वो सप्लीमेंट आपको जो गैनीरूट दिया जा रहा है, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है शंख पुष्पी, जो आपको मेंटल फैटिक से बचाता है, आपको मानसिक रूप से थकने नहीं देता है, आपको हमेशा तरोताजा बनाए रखेगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस आपके स्टडी के दौरान, आपके ऑफिस में, हर तरफ बहुत ही उम्दा किस्म का होगा और मतलब लाइफ में बड़ी खुशहाली बनी रहेगी। और क्या करता है शंख पुष्पी, इसके बारे में जानते हैं। यूजफुल फॉर डिप्रेशन, महिलाओं में डिप्रेशन का बहुत ही केस पाया जाता है, कुछ अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, किसी को और भी हजार कारण है, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता। इट्स यूजफुल टू डिप्रेशन, ये हम लेते रहेंगे तो हमें डिप्रेशन की तरफ जाने से बचाएगा। इनहांस कार्डिक फंक्शन, ये कार्डिक फंक्शन को भी ठीक करता है, मतलब जो कार्डिक वेस्कुलर नर्व है, दिल से रिलेटेड चीजों को ये ठीक करता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को आने से बचाता है। बहुत सारे फायदे हैं शंख पुष्पी के। एस्टिमुलेट्स डाइजेशन, मतलब डाइजेशन, एस्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भूख जिसको नहीं लगता, भूख बढ़ाने का काम करेगा, खाना पचाने का काम करेगा, इसको बहुत तेजी में ये फास्ट करता है डाइजेशन के फंक्शन को, ये शंख पुष्पी का रोल है। स्किन हेल्थ को अगेन आई एम टेलिंग यू, इंप्रूव स्किन हेल्थ, और महिलाएं इसको लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहती हैं नहीं रहती हैं, आप लोग जितनी भी सुन रहे हैं, हाँ एवरी वुमेन, हर किसी महिला, लड़की, लेडीज जो भी हैं, मैं अगर महिला बोलू मतलब उसमें वो लड़कियां भी आ रही हैं या ओल्ड एज की महिलाएं भी आ रही हैं, सभी को मैं बात कर रहा हूं कि सभी के सभी अपने स्किन हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं, अपने एंटी एजिंग के लिए बड़ा कॉन्शियस है कि एज हमें ज्यादा ना दिखे। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसके हर एक इंग्रेडिएंट में कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही है कि आपके स्किन हेल्थ के लिए काफी ये पावरफुल है, काफी ये लाभप्रद है, आपको फायदा देगा, आपके स्किन को हमेशा यंग दिखाएगा। दोबारा मैं बोलता हूं, आपके स्किन को ये लंबे समय तक यंग दिखाएगा। ये शंख पुष्पी की प्रॉपर्टी है, प्रिवेंट हेडेक, हेडेक के प्रॉब्लम को दूर करता है। जिन महिलाओं को रेगुलर बेसिस पे हेडेक्स होते रहता है, कई सारे फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है, हर 7वें 8वें दिन हेडेक हो जाएगा, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की वजह से हेडेक शुरू हो जाता है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, किसी को और भी प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की कमी है, टाइम पे खाना नहीं खाना, घर के कामों में उलझे रहना, बच्चों में, पति में, उनके सेवा में इतना ज्यादा लगे रहना कि अपने आप में ध्यान नहीं देना, इन सब वजहों से भी हेडेक होता है। उन सबके लिए ये आपके पास एक औषधि आ गया जिसका नाम है गायनी रूट, और उसके अंदर शंख पुष्पी जैसे इंग्रेडिएंट है जो आपको हेडेक से दूर रखता है। अगला क्या है, ये ट्रीट बैक्टीरियल इंफेक्शन, किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीटमेंट करने में शंख पुष्पी का इस्तेमाल किया जाता है। और यूजफुल फॉर हाइपरटेंशन, मैंने पहले बोला था कि हर प्रॉब्लम में काम आता है, हाइपरटेंशन में भी ये काम करता है। उसके बाद है शंख पुष्पी फॉर अल्सर, अल्सर के बारे में पीछे में बात कर रहा था, जो हमारा अर्जुना के बारे में बात कर रहे थे तब भी बोला अल्सर पे काम करते हैं, जब शंख पुष्पी के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हमने बोला कि ये भी अल्सर के ऊपर काम करता है। एक बहुत ही
शानदार इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं बात ना करूं तो मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी शायद, दैट इज कचनार। और मैं एक वीडियो कहीं पे देखा था यूट्यूब के ऊपर, स्वामी बालकृष्ण जी जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं, बाबा रामदेव जी के साथ सहयोगी हैं, उनका एक वीडियो देखा था और आपको भी रिकमेंड करता हूं। कचनार की विशेषताएं उन्होंने बड़े खूबसूरती से बताई हुई है, बहुत डेप्थ में बताया हुआ है। कचनार अपने आप में महिलाओं के लिए सच में बहुत ही उपयोगी एक हर्ब्स है। थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं कि ये क्या करता है। ट्रीट पॉलीसाइटिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम्स और डिजीज, जिसको पीसीओएस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में मैं इसको समझाता हूं, पीसीओएस क्या है। जितने भी तरह के प्रॉब्लम है पीरियड्स के अनियमितताओं की वजह से, उन सबके सब से सारे रिलेटेड बीमारियों को पीसीओएस बोलते हैं। इसमें कई बार सिस्ट का बनना, पीछे भी हमने इसके ऊपर डिस्कस करा है, कई बार ओवरी के अंदर फ्लूइड का स्टोर हो जाना, जिसकी वजह से ओवरी रेगुलर साइज और रेगुलर टाइम पे एग रिलीज नहीं करता। बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, सिस्ट होना भी एक अलग प्रॉब्लम है और एक दूसरी प्रॉब्लम है ओवरी के अंदर फ्लूइड का स्टोर हो जाना, इकट्ठा हो जाना, जो नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से जो ओवरी है जो हर 28 दिन के बाद एग रिलीज करती है, और उसी एग रिलीज करने की वजह से फीमेल्स में ये ईश्वर ने गुण दे रखा है मां बनने का, वो रेगुलर बेसिस पे एग रिलीज नहीं करती, और करती भी है उनकी साइज से मतलब वो प्रॉपर रिलीज नहीं करती। ये एक मेजर इशू है, इसके ऊपर कचनार काम करता है। कचनार की विशेषता इतनी है कि किसी भी तरह की गांठ हो उसको ये खत्म करता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ये रसौली में भी काम करता है, ये सिस्ट में भी काम करता है। रसौली में मतलब जिसको कि फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, पहले ही मैंने समझाया, एंड सिस्ट भी पहले समझाया। जो फाइब्रॉइड्स हैं जिसको हिंदी में रसौली कहते हैं, उसे यूट्रस में पाया जाता है यानी गर्भाशय में, और जो सिस्ट है वो यूट्रस के अलावा ट्यूब में भी फैल जाता है। ऐसे रिजल्ट आए हैं कईयों के जिनके सिस्ट की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी फीमेल्स, और उनके सिस्ट ठीक हुए हैं। तो ये एक चमत्कारी प्रोडक्ट आपके सामने दोस्त, और इसके बाद इनहांस फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेफिनेटली, जब इन सब चीजों को ठीक कर देगा तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अपने आप ही ठीक होना है। जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, जो ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, ट्यूब के अंदर जो सिस्ट थी वो खत्म हो गई, अगर कोई फाइब्रॉइड्स था वो खत्म हो गया, जो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था वो नहीं होने लग गया, तो अपने आप उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उसके बाद वो इजिली कंसीव कर सकती है, मां का बनने का सुख ले सकती है। सारे के सारे जो प्रॉब्लम मेजर क्रिएट होते हैं वो गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर से क्रिएट होते हैं, जब उसको कंट्रोल कर लिया महिलाओं ने तो बाकी की सारी प्रॉब्लम अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं फिर से बोलूंगा कि ये एक रामबन औषधि है। कचनार थायराइड डिसऑर्डर को भी ठीक करता है, थायराइड से लेडीज फीमेल्स बहुत बहुत नंबर ऑफ फीमेल्स आपको एक मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम है। तो कचनार का ट्रीटमेंट, कचनार का यूज थायराइड को भी ट्रीटमेंट में किया जाता है। सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारे घर की जो महिलाएं जो इसको यूज कर रही है उनकी इम्यूनिटी को भी ये इंप्रूव करता है। सपोर्ट कंफर्टेबल ज्वाइंट मूवमेंट, ज्वाइंट के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। और क्या करता है कचनार, प्यूरिफाई द ब्लड, ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धियां हैं उसको ये प्यूरिफाई करता है। जो चेहरे पे ज्यादातर जो पिंपल्स आने आते हैं उसमें ब्लड के अंदर प्यूरिफिकेशन उस टाइम चाहिए होता है, ये उसको ठीक करता है। तो कचनार कितना उपयोगी इंग्रेडिएंट है फीमेल्स के लिए आप समझ गए। असिस्ट इन वेट मैनेजमेंट, ओवरवेट है उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है ये प्रोडक्ट। अंडरवेट ओवरवेट सबके लिए है, हाँ छोटी उम्र की लड़कियां, बड़ी उम्र की महिलाएं, सबके लिए है। छोटी उम्र मतलब नॉट लेस देन 14-15 ईयर, मतलब उनके लिए नहीं है जिस बच्ची का अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, राइट। तो अगर मैं इसको नट सेल में डिफाइन करूं गायने रूट क्या है, तो आपको इतना बोलूंगा कि गायने रूट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फीमेल के संपूर्ण स्वास्थ्य पे काम करता है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस करता है हार्मोनल इंबैलेंस जो हो रहे हैं शरीर में किसी भी कारण से। अगेन आई एम टेलिंग यू, हार्मोनल इंबैलेंस जो हो रहे हैं
फीमेल्स के शरीर में, लड़कियों के बॉडी में, उसको ये बैलेंस करता है, और जब ये उसको बैलेंस करेगा उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड होगा, पीरियड्स टाइम पे आएंगे, वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा, लिक्वेरिया की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेल हार्मोन्स नहीं बढ़ेंगे, सब चीजें बैलेंस रहेगा। अब तो जैसे जब हम ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कंट्रोल करेंगे तो बॉडी के अंदर अपने आप ही ब्यूटी आने लग जाएगा, अपने आप स्किन पे ग्लो आने लग जाएगा। मैंने बोला था ये स्किन पे भी काम करता है, ये बैलेंस भी करेगा, ये ब्यूटी भी देगा और वाइब्रेंसी भी देगा, मतलब एनर्जेटिक रखेगा, ताजगी रखेगा। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र तो कम है, जो 28-30 साल की महिलाएं हैं जिनकी शादी के 5-7 साल हुए रहते हैं या 2-4 साल भी हुए रहते हैं, वो पूरे दिनचर्या के बाद इतनी थक जाती है कि रात को शरीर के अंदर एनर्जी नहीं बचता कि अपने पर्सनल टाइम को अच्छे से हम एंजॉय कर सकें, जान नहीं बचती। जैसे ये प्रॉब्लम पुरुषों के अंदर है जिसके लिए नर्वो रूट बताया, अब वैसे ये प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर भी है जिसके लिए गाइनर रूट बताया। तो ओवरऑल फीमेल्स की कंप्लीट हेल्थ के लिए हर तरीके के हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करता है, उनकी ब्यूटी को निखारता है, उनको वाइब्रेंसी मतलब एनर्जेटिक रखता है। दिस इज योर प्रोडक्ट द गाइनी रूट। मैंने बोला था छोटे में समझाऊंगा, एंड आई होप कि जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो महिलाएं सुन रही हैं उनके लिए मेरा मैसेज यह है कि अगर आपने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो आप अपने घर वाले का, अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का, बाकियों का ख्याल कैसे रखेंगे। इसलिए आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने रूटीन में गाइनी रूट का जरूर सेवन करें, क्योंकि ये आपको जितनी भी कमियां हैं शरीर में, हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या की वजह से, टाइम पे नाश्ता नहीं करने की वजह से, टाइम पे खाना नहीं खाने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, ठीक से नींद नहीं पूरा होने की वजह से, हजार ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ गई है, नहीं आई है तो आने वाले टाइम में आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाना है। अगर जिसको आ गया है, जिसको कोई दिक्कत है उसको ये ठीक करेगा, जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसको दिक्कत नहीं आने देगा। और ये फीमेल्स का, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही है इस ट्रेनिंग के माध्यम से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि आप जरूर इसका सेवन करिए, क्योंकि अपना हेल्थ सबसे ऊपर है। और जितने भी पुरुष इसको सुन रहे हैं, अगर आप अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी बहन को कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी माँ को कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो घर में जितनी भी महिलाएं हैं फोर्सफुली कन्विंस करिए उनको गाइनी रूट लेने के लिए। ये बहुत ही काम का चीज है, क्योंकि वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं तो हम उनका बहुत ध्यान रख सकते हैं। वो हमें खाना बना के खिलाती हैं, हम खाना बना के नहीं खिलाते, लेकिन हम गाइनी रूट आकर उनको दे सकते हैं। हर सुख दुख में महिलाएं साथ देती हैं, हम इतना कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है मेरे दोस्त। अगली स्लाइड पे चलते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं लोगों के जो नॉर्मली आते हैं, जिसमें मैं बात करता ही करता हूं आखिरी में कि डोजेज क्या है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके डोजेज इसके ऊपर मेंशन है कि 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, 10 टाइम्स वाटर के साथ मिला करके लेना है तक ले सकते हैं, 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग तक ले सकते हैं। बट मैं फिर से आपको बोलूंगा वही पुरानी बात कि इसके अंदर वाइटल हर्ब्स हैं, बहुत ही वाइटल हर्ब्स डले हुए हैं, तो एकदम से हेवी डोज शायद हमें डाइजेस्ट ना हो। जब ये डिटॉक्सिफाई करना शुरू करता है, कईयों के प्रॉब्लम मैंने सुने हैं कि उन्होंने बोला कि मेरे को जी इस पे हल्के हल्के हाथ पे दाने दाने आ गए, ऐसा लोगों ने सुना है। घबराने की जरूरत नहीं, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, जो गंदगी है उसको बाहर निकाल रहा है, फिर बाद में बिल्कुल जब नया स्किन आएगा तो ग्लो करने लगेगा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू स्टार्ट विद लाइटर डोज, सबको मैं सलाह देता हूं 10 ml से स्टार्ट करिए, जितना भी लीजिए 10 times ल्यूक वार्म वाटर जरूर लीजिए। 10 ml अगर आपने लिया तो आपको 100 ml उसमें ल्यूक वार्म वाटर लेना है, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए मॉर्निंग पे 30 ml पे आए, फिर इवनिंग में इसको ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 30 ml पे लेकर के जाए, एकदम से हम प्रॉपर हेवी डोज पे ना आए, बिकॉज हमने इतने सालों से अगर कोई चीज नहीं लिया बॉडी में जिसको हम अचानक लेना शुरू करेंगे तो शायद हमारा बॉडी उसको एकदम से अडॉप्ट ना करे। ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं और आज भी बता रहा हूं किसको लेना चाहिए। इन विच डिजीज द प्रोडक्ट कैन गिवन, महिलाओं की हर समस्या में ये देनी चाहिए, हर प्रॉब्लम में ये काम करेगा लेडीज के लिए, ये आपको बता दिया। हु शुड नॉट टेक दिस प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आता है किसको नहीं देना चाहिए। तो पहला कि 14 साल से जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं जिनको की गायनेकोलॉजिस्ट
मतलब जिनको आप छोटे से एक लाइन में बताऊं, जिनको पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, जिन बच्चियों को, उनको नहीं देना। और किसको नहीं देना? जो बहुत ज्यादा सीरियस डिजीजेस से ग्रसित हैं, सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत तरह के इंजेक्शन और दवाइयां चल रही है, उनको शायद नहीं देना। और किसको नहीं देना? प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना। अगेन मैं आप टेलिंग यू कि प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना, क्योंकि नन्ही सी जान उनके साथ रहती है। आप देखते होंगे प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बावजूद इसके डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां नहीं देते। कारण कि वो हर मेडिसिन अपना असर उस छोटे से बच्चे तक छोड़ेगा, और उसको हर कोई चाहता है कि नेचुरल तरीके से उसका क्रिएशन हो। नेचुरल चीजें हम जितनी ज्यादा से ज्यादा दें, इसमें भी सारी की सारी चीजें नेचुरल है, लेकिन ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके अपने अपने औषधीय गुण हैं। तो इसलिए ये मना करा जाता है कि लैक्टेशन के दौरान, यानी कि कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है बच्चों को। आज भी किसी का कॉल आया था कि एक महिला है जिसका 2 महीने का बच्चा है, उसको दे सकते हैं। मैंने मना करा, उनको बिल्कुल नहीं देना। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दे तो उसको लेना शुरू करें, मतलब जिस दिन से कंसीव करा तब से लेकर के जब तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा तब तक महिलाओं को नहीं लेना, बाकी पूरी जिंदगी लेना है। कब तक लेना है? पूरी जिंदगी लेना है। समझ में आ गया? फिट रहना है तो इसको लेना पड़ेगा, राइट। और मैं ये समझता हूं कि ये जो ट्रेनिंग मैंने दिया, इसके नॉलेज लेने के बाद, और अगर आपको विस्तार से नॉलेज लेना है तो डेफिनेटली आप गूगल करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट के बारे में आप डालेंगे, आपको विस्तार से नॉलेज मिलेगा। और आपका नॉलेज इतना ज्यादा होगा कि आप हिंदुस्तान के हर घर में जाकर के हर घर के महिलाओं के स्वास्थ्य को की सुरक्षा करेंगे, उनको हेल्दी लाइफ देंगे। और जब आप हर घर के में हर ये पुरुष और महिलाओं का एक कर्तव्य है जो मुझे सुन रहे हैं, उनका ये ड्यूटी बनता है कि हम अपने हर नोन टू के घर घर में जाएं और उनको बताएं कि फीमेल का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और उनको हेल्दी रखने के लिए रूट प्योर ने एक शानदार प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसका नाम है गायनी रूट, जो फीमेल्स के हर प्रोडक्ट को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। आप उसको प्रमोट करिए, और प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा बनेगा, आपकी टीम शायद भी बहुत बड़ी बनेगी, और आप पैसे भी बहुत सारा कमाएंगे, लोगों को रोजगार को भी देंगे, अपने फैमिली को हेल्दी रखेंगे, समाज को भी हेल्दी रखेंगे, देश को भी हेल्दी रखेंगे, खुद बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लोगों को भी पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी देंगे, रोजगार के अवसर देंगे, अपने सपने को पूरे करेंगे और लोगों को भी सपने के पूरे कराएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज की इस ट्रेनिंग का मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, और मैं ये आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके सब लोग मेहनत करें, पूरे हिंदुस्तान को एक हेल्दी लाइफ को प्रोवाइड करें, उनको एक शानदार अपॉर्चुनिटी दे रूट प्योर के नाम, रूट प्योर के रूप में, और बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।